पर ऊपर से सभी एसोसिएशन आर्टिकुलेटर बाकी सभी लोग हैं दिल्ली जनजे में। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए वेलकम अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ हम सारे एक अपने ऐसे इवेंट को ऐसे सोच के साथ में इनके विषय पर बात करने का मौका मिलता है। हालांकि जो टेक्निकल सेशन होने वाले हैं आपके कल उसमें आपको सारे डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसको रिजॉल्व कर देंगे। फिर भी मैं थोड़ा परफेक्टली बताना चाहूँगा के बारे में। आज जो एमएसएमई का इम्पोर्टेंस जो है, एमएसएमई की जो महत्ता है हमारे देश की इकोनॉमी में, नो डाउट अबाउट है। आज के डेट में अगर हम देखें तो जो 2015-16 में नेशनल सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारे पास 6.34 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड थे उस सर्वे के अकॉर्डिंगली। बाद में उद्यम आधार आया, फिर उसके बाद आज की डेट में उद्यम पोर्टल है, आज की डेट में उद्यम पोर्टल पर करीब करीब 1.24 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो 1.24 करोड़ जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है उद्यम पे, वो आज की डेट में करीब करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं देश में। 11 करोड़ जो है टोटल वर्कफोर्स का, हम पूरी पॉपुलेशन का 11 करोड़ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग जो है वो 60+ एज के हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं होते, और बहुत सारे बच्चे हैं जो 18 ईयर से कम वाले जो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं होते। तो केवल वर्कफोर्स का जो है, जितना हमारा वर्कफोर्स है उसका 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस टाइम पर दिया जा रहा है। पर एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर सारी पॉलिसीज ठीक रही, सब कुछ अच्छा रहा और जैसा अभी चल रहा है, जिस ग्रोथ से हम चल रहे हैं वो ग्रोथ अभी करीब 17-18% पर ईयर की उद्यम पे ऑनबोर्डिंग की है, 17-18% पर ईयर उद्यम पे ऑनबोर्डिंग हो रही है। लेकिन हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान के चलते हैं, अगर 10% भी रेट ऑफ ऑनबोर्डिंग रखते हैं तो भी ये मान के चल रहे हैं, प्रोजेक्शन है कि अगले 10 सालों में करीब करीब 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट केवल एमएसएमई सेक्टर दे पाएगा। आज की डेट में भी एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिवर जो है एमएसएमई सेक्टर, जैसा मैंने बताया 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अमरीकन एग्रीकल्चर। आज की डेट में करीब 26 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, अगले 10 सालों में ये फिगर बढ़ के 26 करोड़ हो जाए। कोई 26 करोड़ कहाँ से आएंगे, ये 10 सालों में जो नए एमएसएमई आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन, उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, उनका मार्केट डेवलपमेंट, कैपेसिटी एक्सपेंशन, प्लस जो एग्रीकल्चर यही ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो उसका एग्रीकल्चर शिफ्ट होता है हमेशा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो वहाँ से जो सेक्टर्स आएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस का कॉर्पोरेशन से आएगा, प्लस इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जिसको हम आज की बोलते हैं कि टुडे तो इस तरीके से करीब करीब 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो आज की डेट में जैसा मैंने बताया है कि इन्फॉर्मेशन के अलावा जो आज की हमारी इकोनॉमी है 3 करोड़ से ज्यादा इकोनॉमी, $3 trillion से ज्यादा हमारी इकोनॉमी है, उसका 26.83% केवल हमारे कंट्री का जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो सारे एक्सपोर्ट का 49.02% एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो आप देखिए इकोनॉमी जैसा अभी यादव जी ने बताया कि हम सरपास करके हमारे लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के डेट में इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब सॉरी पीपीपी बेसिस पे जो पर कैपिटा पीपीपी को कैलकुलेट करते हैं तो आज के डेट में हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी का 49% से ज्यादा एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई सेक्टर के द्वारा किया जाए। अब हम एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा अगर हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो इस एमएसएमई में 96% आज की डेट में केवल माइक्रो सेक्टर की यूनिट्स है, 96% माइक्रो यूनिट्स है। 2020 में जो नई रेगुलेशन आई थी उसके बाद की बात बता रहा हूँ, 96% माइक्रो यूनिट्स है। लेकिन